हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर अश्मीर होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी DPD के बारे में। ये जो DPD होता है ये क्लस्टर सी में आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने पहले भी वीडियोज बनाई हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर, जिसको अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर तीन तरह से बांटा जाता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर सी के अंदर जो मैं बात करने वाली हूँ वो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर ए के अंदर ऑड एंड एक्सेंट्रिक बिहेवियर रहता है, पैरानोइया रहता है, स्किज़ोइड एंड स्किज़ोटिपल रहता है। क्लस्टर बी के अंदर हिस्ट्रॉनिक बहुत ही एग्जेजरेटेड फॉर्म्स रहते हैं, हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर्स रहते हैं। और क्लस्टर सी के अंदर बहुत ज़्यादा फियरफुल और एंक्शियस पर्सनैलिटी वाले लोगों को डिवाइड किया गया है। तो क्लस्टर सी की एक प्रॉब्लम DPD के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान होता है किसी दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कि उसकी जो लाइफ होती है बिना उसके एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। ये डिपेंडेंसी अपने फैमिली के ऊपर भी हो सकती है, अपने फ्रेंड के ऊपर हो सकती है, किसी रिलेटिव के ऊपर हो सकती है। टू मच डिपेंडेंसी हो जाती है तभी हम इसको डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अब क्योंकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा ही अगर डिपेंडेंसी किसी के ऊपर हो जाती है, लगातार बनी रहती है, तभी इसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। वैसे तो इंसान एक सोशल एनिमल है, हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी पर डिपेंड करता है। कभी पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए, कभी फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको हेल्प चाहिए। लेकिन अगर किसी के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाए कि आप अपना काम खुद से ना कर पाएँ, हर एक छोटी बात के दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, तब इसको हम इसमें डालते हैं, जिसमें आप बिना दूसरे की मदद के अपने आप को बिल्कुल मेंटली हैंडीकैप मानने लग जाते हैं, उसको DPD बोला जाता है। इसके टोटल 8 क्राइटेरियाज हैं, और 8 क्राइटेरिया में अगर 5 क्राइटेरिया मिलते हैं तो ये DPD में डायग्नोस किया जाता है। ऑल्दो ये जो डायग्नोसिस होता है 18 साल के बाद ही बनाया जाता है, तो किसी भी तरह का जो साइकोलॉजिकल जो डायग्नोसिस होता है, असेसमेंट जो होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वो 18 साल के बाद ही माना जाता है। अब हम 8 क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, और अगर इनमें से 5 क्राइटेरिया किसी भी इंसान के अंदर होते हैं तो वो DPD का पेशेंट होता है। सबसे पहला है कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती है, जो रोज़मर्रा के जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी उसको दूसरे की मदद चाहिए होती है। मैं आज कौन से कपड़े पहनूं, मैं आज कितने बड़े मार्केट जाऊं, मैं वहां से क्या खरीदूं, अगर मार्केट भी गए हैं तो वहां से भी पूछ पूछ करके क्या करना है मुझे, मैं कौन सी चीज़ अपने लिए खरीदूँ। इस तरह की जो डिपेंडेंसी होती है, माइनर जो इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी डिपेंडेंसी होती है। मैं कौन से पेन से काम करूँ, मैं इवन आप सोच भी नहीं सकते कि किन किन छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको डिसीजन चाहिए। उनके कपड़े भी बता दो आप, वो क्या खाएं, क्या लिखें, क्या पहने, क्या TV में देखें, कब बाहर जाएं, किससे मिलें, किससे फ्रेंडशिप रखें, हर एक चीज़ का डिसीजन उनको दूसरे से चाहिए होता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो दूसरा इंसान है वो अच्छा डिसीजन ले सकता है। अपने डिसीजन पे उसको फेल होने का डर होता है, उसको लगता है कि मैं डिसीजन लूंगा तो ज़रूर गलत हो जाएगा। इट्स बिकॉज कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब किसी इंसान को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तब वो दूसरे के ऊपर विश्वास करता है, इतना ज़्यादा विश्वास करता है कि हर एक चीज़ उसके ऊपर छोड़ देता है, सारा डिसीजन तुम ही मेरे लिए लो। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता दूसरा जो इसका क्राइटेरिया होता है कि कैन नॉट टेक मेजर डिसीजंस। अब ये तो छोटे छोटे पहले वाले पॉइंट में छोटे छोटे डिसीजंस नहीं ले पा रहा था, अब बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। मैं कौन सा फील्ड चुनूं, मैं कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, साइंस लूं, किस में जाऊं, मैं कौन सी वाली जॉब की तैयारी करूं, मैं हर एक चीज़ मतलब एवरीथिंग डिपेंड करता है उसी के ऊपर, तो मेजर डिसीजंस नहीं ले सकता अपने लिए, वो हमेशा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जिसने जो कह दिया वही सही है, वही करना है मुझे, अदरवाइज कुछ और किया तो मैं तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो माइनर डिसीजंस भी नहीं ले सकता, मेजर तो बिल्कुल नहीं ले सकता। जो थर्ड है पॉइंट, जो थर्ड क्राइटेरिया है, डज नॉट सो डिसएग्रीमेंट। मतलब कोई इंसान अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उसके खिलाफ वो कोई भी चीज़ में डिसएग्रीमेंट नहीं शो करता, उसको नाराज़ नहीं कर सकता, उसको खोने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर उसने जो कह दिया वही सही है, जो वो कह देगा मैं वही करूँगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी ना नुकुर किया तो वो हो सकता है कि मुझे लीव कर दे, और क्योंकि वो मुझे लीव कर देगा तो मैं उसके बिना तो रह ही नहीं सकता हूँ। सो आई हैव टू एग्री इन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर द पर्सन सेज। तो एक तरह से कह सकते हैं हाँ में हाँ मिलाना,
भाई जो आप कहो, जैसा भी आप कहो, मैं एवरीथिंग आई एम रेडी विथ. तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, डज नॉट शो एनी डिसएग्रीमेंट. जो फोर्थ क्राइटेरिया होता है, कैन नॉट टेक एनी न्यू प्रोजेक्ट. क्योंकि अगेन हर बार वही बात आती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई नया काम शुरू नहीं कर सकता, कोई दुकान डालनी है, कोई अपना कोई बिजनेस करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो शुरुआत नहीं कर सकता. वो अपने सलाहकार से पूछेगा, भाई ऐसा करना है, ऐसा कर सकता हूँ, मतलब मेरी मदद करो, मैं इस काम को. वैसे तो वो टालता जाएगा, वैसे कोई भी प्रोजेक्ट वो लेगा ही नहीं, हैंडल नहीं करेगा. देर इज सो मच लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि उसको लगता है कि कोई भी चीज़ नई शुरू करेगा तो वो पूरा ही नहीं कर पाएगा. अगर वो करेगा भी थोड़ा बहुत तो गलत कर देगा. आउटकम का उसको डर हमेशा बना रहता है, रिजल्ट को हमेशा वो नेगेटिव लेता है. सो कैन नॉट टेक एनी न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी वो काम शुरू करता ही नहीं, इतना हिचकिचाता है और हमेशा टालता रहता है. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो पेशेंट किसी भी हद तक जा सकता है अपने जिसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा हो उसकी हेल्प करने के लिए. चाहे वो गलत तरीके से कर रहा हो उसकी मदद, चाहे सही तरीके से कर रहा हो, लेकिन उसकी मदद करनी है क्योंकि उसको नाराज नहीं कर सकते. तो कोई भी डिमांड आप रखोगे या बस आप मेरे सपोर्टर बने रहो, मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करके दूंगा. तो आपके लिए मैं, अगर मुझे कुछ भी गलत भी कहोगे तो मैं आपको करके ला के दूंगा कुछ. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है हमारे पास, ये पश्चिम बंगाल से हमारे पेशेंट थे, कोलकाता से. वो करीब उस समय करीब उनकी एज थी 48-50 की एज रही होगी. तो वो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था, उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसलिए हो रही थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी. उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और बताया कि मुझे जब से मेरी बेटी की शादी तय हुई है तब से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ, दिन भर बेचैन रहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी शुरू की. हिस्ट्री के दौरान उन्होंने बताया कि उनको कभी भी घर से बाहर जब निकलना होता है तब वो पहले तो अपनी वाइफ के साथ जाते थे. कोई भी काम करना हो, मार्केट से सब्जी लाना हो, अकेले नहीं जा सकते. बैंक से पैसे निकालने हो, अकेले नहीं जा सकते. छोटा मोटा भी कोई काम अगर घर वालों में कुछ अर्जेंटली कुछ मंगा लिया तो भी वो बाहर अकेले नहीं जा सकते. घर के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकते. घर के अंदर क्या काम है, कोई भी काम हो, बच्चों का क्या करियर क्या करना है, तो इस हर चीज़ में वाइफ का सपोर्ट चाहिए. उसके बाद धीरे धीरे ये जो डिपेंडेंसी है वाइफ से हट करके बेटी के ऊपर आती चली गई. बेटी ही सब चीज़ डिसाइड करती थी अपने पिता के लिए, कपड़े बनवा लो या मुझे क्या, फादर के लिए डॉक्टर कौन सा ढूंढना है, फादर को बाहर कब लेके जाना है, उनको उनका पैसे निकालना तो मैं साथ में चलता हूँ. ऑल्दो बहुत अच्छे थे वो, मतलब वो एक्टिव थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो डिपेंडेंट थे अपनी बेटी के ऊपर. और जब से उनकी बेटी की शादी हो गई, शादी विदिन 2-3 मंथ्स थी, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और पैनिक में आ गए, इंसोम्निया हो गया, नींद नहीं आती थी, भैया आगे चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा. बहुत समय तक तो उन्होंने टाला कि बेटी की शादी आराम से हो, थोड़ा धीरे, कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की, लेकिन शादी अब तय हो गई है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. उसके कारण उनके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आ रही थी, बिकॉज कि जो जिसके ऊपर वो डिपेंड थे वो डिटैचमेंट होने वाला था, वो सेपरेशन होने वाला था, जिसको वो बेयर नहीं कर सकते हैं. और वो अपनी बेटी की हर बात मानते थे, बेटी कुछ गलत भी कह देती थी तभी वो सुन लेते थे, सह लेते थे, डिसएग्रीमेंट बिल्कुल शो नहीं करते थे. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का. नेक्स्ट बिल्कुल इसे से मिलता जुलता पॉइंट है कि फील अलोन एंड हैव लॉट्स ऑफ फियर. तो अलोननेस उनके अंदर आ जाती है, अकेलापन बहुत महसूस होता है और उस अकेलापन को वो दूर करना चाहते हैं, उस अकेलापन से वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं. जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर थोड़ी देर के लिए भी उनसे दूर है, कहीं गया हुआ है, मार्केट गया हुआ है, कहीं दूसरे शहर गया हुआ है, तब वो बिल्कुल बेचैन रहते हैं. तो ये जो डिपेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है. और इन एनी केस जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, इन एनी केस अगर वो सपोर्ट उनसे टूट जाता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर वो बेटी उनसे चली जाती है तो अगला डिपेंडेंसी वापस उनकी वाइफ के ऊपर आ जाएगी. तो जैसे ही उनका सपोर्ट एक टूटता है तो उनको तुरंत दूसरा सपोर्ट चाहिए होता है, विदाउट सपोर्ट वो नहीं रह सकते. तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के अंदर ये क्राइटेरिया हो गया. और नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया यानी एट्थ क्राइटेरिया जो होता है वो यही है कि अनरियलिस्टिक फियर्स होते हैं. अनरियलिस्टिक फियर मतलब ऐसे डर जो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, जिनके पीछे लॉजिकल कोई रीजनिंग नहीं है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं दिखता है. जैसे इन पेशेंट को लगता है कि जब मैं जाऊंगा पता नहीं मैं रास्ता भूल जाऊंगा, बैंक में पहुंच पाऊंगा कि नहीं, बैंक में जो पेपर वगैरह करना होता वो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने अपने लिए यहाँ से कपड़े खरीदे तो शायद वो खराब निकल जाएंगे, वहाँ से लेता हूँ जहाँ पे मेरी बेटी ने बोला है. तो बहुत तरह की चीज़ें उनके अंदर होती हैं. तो एवरीथिंग दे डिपेंड अपॉन दी पर्सन जिसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं. तो अगर ऐसे केसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑल्दो पेशेंट डिपेंडेंट है बेचारा,
दूसरे के ऊपर सारे उसने फैसले छोड़ रखे हैं, दूसरे को नाराज नहीं कर सकता, दूसरे को खुश करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता रहता है, बट स्टिल इनका रिश्ता नहीं चलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है उसको वो बांध के रखना चाहता है, वो चाहता है उसे ग्लूड रहे, उसे चिपका रहे, जिससे उस इंसान को ये पैरासाइट जैसे लगने लगता है, जैसे लगता है कि इसने इसके ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और कई बार ऐसे लोगों का फ़ायदा भी उठाया जाता है, दो तरह से हो सकती है, मतलब एक तो उससे दूर भागना चाहेगा, उससे अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहेगा, क्योंकि हर एक बात पे भाई पूछ पूछ के कर रहे हो आप। नेक्स्ट है कि वो उनका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि मैं इसको इसके साथ कुछ भी कर दूँ ये मेरे को नाराज़ नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग एक्सप्लॉइट भी ज़्यादा होते हैं। तो जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए होता है, इमोशनल वेलबींग के लिए होता है, क्योंकि वो जब तक इमोशनल जिसके साथ वो अटैच्ड है, जिसके साथ वो डिपेंडेंट अगर आसपास नहीं होते तो ऐसे लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है? ऐसे जो लोग होते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि खुद से अप्रोच करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग थे, यानी क्लस्टर ए वाले लोग जो थे, जो पैरानॉइड है, स्किज़ोइड है, स्किज़ोटिपल है, ये लोग ट्रीटमेंट जल्दी लेने आते नहीं हैं। वो कहते हैं मुझे तो कुछ हुआ नहीं, ओके आई एम परफेक्टली फाइन। लेकिन ये लोग जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाले हैं, ये ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ऐसे बहुत समय तक नहीं चलेगा। उनके घर वाले भी उनको ताने देने लगते हैं, उनके फ्रेंड्स भी उनसे दूर भागते हैं, तो ऐसे लोगों को पता लग जाता है कि हाँ भाई मुझे तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ये काफ़ी हद तक बेटर हो सकता है, मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, मैं थोड़ी सी डिपेंडेंसी ला सकता हूँ। तो ये लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज होता है इसका, और इसके साथ में काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको काउंसलिंग में थेरेपीज दी जाती हैं, असेसमेंट किया जाता है, थेरेपी के अंदर CBT इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है, जिसको हम CBT को फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब पेशेंट की सोचने की शक्ति को हम चेंज करते हैं, जो अलाइनमेंट होता है उसको सोचने को उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो वो काम आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दूसरा तरीका भी, आप दूसरे तरीके के थॉट्स भी आपके अंदर आ सकते हैं। सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाना थ्रू आउट द लाइफ कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, बिल्कुल आप लाचार हो, इस तरह की सोच को बदलने को हम CBT बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो क्योंकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट इसमें लंबा चलता है, लेकिन रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे होते हैं। जितनी भी मेडिसिन होती हैं नेचुरली होती हैं, कोई एडिक्शन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इसके लिए कोई रैंडम दवा मैं बता दूं कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के लिए ये दवा ले लो, वो काम नहीं करती है। इसके लिए हमें सारे केस टेकिंग करने के बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दवा निकालनी होती है, जो कि पेशेंट को दिया जाता है, एक बहुत हाई पावर में दिया जाता है। कुछ टिपिकल दवाइयां हैं जो फ्रंट लाइन मेडिसिन होती हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, स्पेशली डिपेंडेंट पर्सनैलिटी में, उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले दवा है वो है पल्सेटिला। ये महिलाओं के अंदर अगर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, उनके केस में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी महिलाएं जिनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, एक समय इधर और दूसरे समय इधर, मतलब इसको हवा की तरह उनका रुख बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा VP मूड होती है, और उनको हर वक्त जो है सपोर्ट चाहिए होता है, हर समय उनको इस बात का ये बात चाहिए होती है कि कोई भी पेशेंट कहते यस गो अहेड तुम कर सकती हो, तभी वो कर सकती है। अगर उनको नहीं बोला कि कर सकती हो तब तक उनको लगेगा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो हमेशा उनको रीअश्योरेंस चाहिए होता है किसी भी काम के लिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए डिसीजन दूसरे को लेना चाहिए। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकती, अपने पति के ऊपर डिपेंड करती हैं, या इन्वर्सली अगर हम देखें तो पति भी बहुत सारे डिसीजन अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्पेशली वो डिसीजन जो मेजर नहीं है, बिल्कुल माइनर ट्राइवियल जो डिसीजंस है उसके लिए, तो वहां पर ये पल्सेटिला इज अ वेरी गुड रेमेडी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर पेशेंट को जो डिपेंडेंसी है वो इतने हद तक है कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है, वो दूसरों के हाथों से उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको आभास नहीं है इस चीज़ का, और फिर भी वो उस डिपेंडेंसी में भी बहुत खुश है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत डोमिनेशन के अंदर रहे हैं, चाहे अगर हम बच्चों की बात कर लें या शादी के पहले की एज की बात करें तो पेरेंट्स के डोमिनेशन में रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो फादर का इतना ज़्यादा डोमिनेशन रहा है, इतना क्रूएल बिहेवियर रहा है, मदर कर रहा है और शादी करने के बाद पति के अंदर रह रही हैं वो, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इनके ऊपर हो गई है, और ऐसे केसेस में कार्सिनोसिन बहुत अच्छी दवा होती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवा है आर्जेंटम निटिकम। ये हर तरह की एंग्जाइटी रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी होती है उसके ऊपर काम करती है। तू मेरे साथ चल मार्केट तभी मैं जा सकता हूँ,
डर नहीं, अगर कोई साथ में आ रहा है तो वो उस काम को बिल्कुल नहीं कर सकता है। फियर बहुत ज़्यादा होते हैं, अकेले कोई काम करना पड़ जाए तो उसको डायरिया लग जाता है, अकेले कहीं बाहर उसको जाना पड़ जाए तो उसकी हार्ट बीट पैल्पिटेशन हो जाती है, फियर ऑफ डेथ हो जाता है कि मैं तो वापस ही नहीं आऊँगा अगर मैं गया तो इस तरह के मेडिसिन, इस तरह की प्रॉब्लम में अर्जेंटम न्यूट्रिकम एक बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है एम्ब्राग्रेसिया। जो एम्ब्राग्रेसिया नाम की दवा होती है, ऐसे किस्म में दी जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैशफुलनेस है, किसी भी तरह के लोग अगर आसपास मेरे हैं तो मैं बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल शर्मीले स्वभाव का हूँ, बहुत ज़्यादा शाइनेस है मुझे, मुझे बस एक इंसान वही चाहिए, बाकी मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, इतनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ शाइनेस इसमें रहती है। तो एम्ब्राग्रेसिया बहुत अच्छी दवा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। ये कुछ ही दवाइयाँ हैं, हर इंसान के लिए अलग दवाइयाँ लगेंगी कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, डिपेंडेंसी किस लेवल की है, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं दवा का। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन ऑन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको पसंद आया होगा। आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवा सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7017991940। इसके साथ आप जूम या फोन कंसल्टेशन अपनी सुविधा के अनुसार बुक कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर ली, वहां पर भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।